हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम उदय, आप देख रहे हैं टैक विथ उदय। और आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ QnA। मैं पढ़ूंगा आपके कुछ क्वेश्चंस। तो दो कमेंट्स मुझे ऐसे आए कि मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो इसीलिए मैं जो है वो QnA कर रहा हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट है राज सोनी का। तो इन्होंने कहा है कि सैमसंग A50 और नोकिया का 5.1 प्लस, इनका कंपेरिजन वीडियो बनाओ। तो राज भाई, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों फ़ोन का तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि सैमसंग A50 की प्राइस है 20,000 रुपीज़, और नोकिया के 5.1 प्लस में जो 6 GB वाला जो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस है 16,000 रुपीज़। और मैंने आपको जो है वो 10,000 रुपीज़ वाला जो उसका वेरियंट है 3 GB प्लस 32 GB वाला, मैंने आपको वही लेने को बोला है कि अगर आपको नोकिया का 5.1 प्लस ख़रीदना ही है तो आप जो है वो 3 प्लस 32 वाला ही ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो वेरिएंट्स है 4 प्लस 64 GB वाला 14,000 रुपये का, बाद में 664 वाला 16,500। तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है, और वहाँ पे आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये जो है वो कंपैरिजन बिल्कुल भी बनता नहीं है राज भाई। तो आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। दूसरा कमेंट है पूर्वदीप जडेजा। ओके, तो ये लिखता है कि एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल कैमरा कैसे इंस्टॉल करें, उस पर वीडियो बनाओ। तो मैं इस पर यह कहूँगा कि मैंने मेरे से जितना हो सकता था, मेरे पास जितने अवेलेबल डिवाइसेस थे, एसुस का M1 था तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, और बाद में मैंने नोकिया के 5.1 प्लस में टेस्ट किया। वहाँ उसमें गूगल कैमरा जो है वो नहीं डाल सकते आप, मीडिया टेक का प्रोसेसर है और दूसरी सारी लिमिटेशंस है, कैमरा 2 API अनेबल नहीं है। तो मेरे और बाद में A50, हाँ मेरे कज़िन के पास है सैमसंग का A50, उसमें भी मैंने ट्राई किया था, उसमें कैमरा 2 API अनेबल है, सिर्फ उसमें एक ही उसमें जो है वो सपोर्ट नहीं है कैमरा 2 API में, वह मैं भूल गया कि क्या है रो या ऐसा कुछ। पर मैं जो है वो हर एक फ़ोन पे तो नहीं बता सकता ना, पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास जो भी फ़ोन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है Mi A1, तो Mi A1 अगर आपके पास है तो आप XDA डेवलपर्स पे जा सकते हैं। XDA डेवलपर्स एक वेबसाइट है, डेवलपर्स जो है वो उसमें अपनी कस्टम रोम्स को डेवलप करते हैं, बाद में वहाँ पे डालते हैं, बाद में अलग अलग Gcam के मोड्स और वो सब जो कि जो जो डिवाइसेस रहते हैं उस पर जो है वो डेवलपर्स उसमें थ्रेड्स डालते हैं। तो वहाँ पे आप अगर आपके पास Mi A1 है तो Mi A1 की थ्रेड में आप चले जाओ, और बाद में उसमें देख लो कि गूगल कैमरा कैसे इंस्टॉल करे, तो वहाँ पे से आपको ईजिली मिल जाएगा। बाद में वहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा ब्लॉग होगा, वहाँ पे लिखा होगा कि ऐसे आपको इस एप्लीकेशन में से कैमरा 2 API को अनेबल करना है, बाद में आपको ये वाली एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करनी है, और लेटेस्ट Gcam मोड ये है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप जो है वो देख सकते हैं कि कैसे आप गूगल कैमरा को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। और मेरे पास जो है वो हर एक डिवाइस तो अवेलेबल नहीं रहता है ना, इसलिए मेरे पास भी काफ़ी सारी लिमिटेशंस है कि मैं हर एक फ़ोन पर गूगल कैमरा का वीडियो नहीं बना सकता। नेक्स्ट कमेंट है आदित्य जोशी जी का। तो ये लिखते हैं कि पाई अपडेट के बाद कोई बग्स फेस किया क्या। तो ये जो है वो लिख रहे हैं Asus के M1 पे, तो मैंने कुछ स्पीड टेस्ट की वीडियो थी उसमें इन्होंने लिखा है कि कोई इश्यू फेस किया क्या। मैंने आदित्य जोशी जी को जो है वो छोटा सा रिप्लाई दे दिया था कमेंट बॉक्स में, पर मैं यहाँ पे जो है फुली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो यार, Asus के M1 में सबसे पहले तो मैंने रैम मैनेजमेंट में इश्यू फेस किया, ऐप्स जो है वो रैम मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं हो जाता है बीच बीच में। क्या है, फॉर एग्जांपल आपने अगर व्हाट्सएप को ओपन किया और बाद में अगर आपको कोई कॉल आ गया और आपने ऐसे पिकअप किया कॉल को, तो वो जो है वो डेफिनेटली पिकअप हो जाता है, बाद में फ़ोन के एप्लीकेशन में चल जाता है। अगर आप 1 सेकंड भी करते हो तो उसके बाद में भी जो है वो रैम मैनेजमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, वो एप्लीकेशन जो है वो अगर आप फिर से रीसेंट एप्स में से ओपन करते हो तो वो जो है वो रिलोड हो जाती है। तो रैम मैनेजमेंट में बहुत ही बड़ा इश्यू था, पर इसको जो है वो ये अगर आप फेस कर ले हो तो आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन है। मैंने इसको कैसे फिक्स किया, सबसे पहले आपको जो है वो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, बाद में वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन और पावर बटन ये दोनों आपको दबा के रखना है। इससे आप जो है वो फास्ट बूट मोड में चले जाओगे, और वहाँ पे आप जो है वो वॉल्यूम अप एंड डाउन की से जो है वो ऑप्शंस के बीच में स्विच कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो है वो वाइप कैशे पार्टीशन ऐसा जो है वो ऑप्शन दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आपको ड्रैग करना है और बाद में आप पावर बटन दबाना है, बाद में आपको यस करना है, तो ऐसे जो है वो कैशे जो है वो क्लियर हो जाएगा, और बाद में जो है वो ये इशू फिक्स हो गया। मैं जो है कुछ कुछ सोल्यूशन भी आए, बाद में जो है वो स्पीकर में बहुत बड़ा इशू है,
हेडफोन जैक से जो आउटपुट है वो भी एकदम जो है कम हो गया है, लाउड नहीं रहा है। बाद में स्पीकर, इसका जो इंटरनल स्पीकर है जहाँ से आपको ऑडियो मिलता है वो भी काफ़ी लो हो गया है, और यूआई भी इतना स्टेबल नहीं है। बीच बीच में जो मेरा यूआई जो है वो फ्रीज हो जा रहा है। कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप टच करते हो तो वो ओपन हो नहीं रही है। काफ़ी सारे बग्स जो है वो मैंने फेस किए हैं, तो आई होप कि एसुस जो है वो इसको फिक्स कर देगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, यही कुछ कमेंट्स थे जिसको मुझको जो है वो आंसर करना था, और ये जो है वो मैं वीडियो में ही दे पाऊँ ऐसा मुझे लगता था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड गुड बाय।